अब खबर दौसा के बांदीकुई से, जहां बसवा थाना क्षेत्र के कुलाना गांव में बाबूलाल शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के बेटे और पत्नी ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस जानकारी के अनुसार बाबूलाल शर्मा ने कुछ लोगों से पैसे उधार लिए हुए थे, उसने पूरे पैसे चुका भी दिए। इसके बाद आरोपियों ने 1 लाख रुपए और देने को कहा, जिसको लेकर आरोपियों ने बाबूलाल शर्मा से बाइक छीनकर बदसलूकी की, जिसके बाद जहरीला पदार्थ खाकर बाबूलाल ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरे पिताजी को 24 तारीख के शाम को फोन करके बुलाया गया हनुमान सिंह गुर्जर ने। उन्होंने मेरे पिताजी के साथ मारपीट की और मेरे पिताजी की गाड़ी वाड़ी भी छीन ली है। और वो मेरे पिताजी से पैसे मांगते हैं, लेकिन मेरे पिताजी ने उनको पैसे दे दिए हैं। 1 लाख रुपए लिए हुए थे 2.5 साल तक, पर मंथली 5,000 रुपये देते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने 1 लाख रुपये और निकाल दिए हैं और मेरे पिताजी इस के साथ बदतमीजी की और वो बहुत परेशान होने के कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। मैं सरकार और पुलिस से सबसे निवेदन करता हूँ कि हमें न्याय